पिछला जात तक पढ़ाया था, समझ में आ गया था। पिछली क्लास में जात तक पढ़ाया था, समझ में आ गया था। यस और नो? तो आगे मूव ऑन करते हैं। आज पढ़ेंगे अपन क्रैमशेल। क्रैमशेल होती क्या है, सबसे पहले मुझे ये बता सकते हो? कोई एक जना भी माइक ऑन करके मुझे क्रैमशेल होती क्या है ये बता सकते हो? और इसका पूरा नाम है क्रैमशेल बकेट। क्रैमशेल होती क्या है कोई? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय अ क्रैमशेल? क्लैम शेल क्या होती है, जल्दी बताओ। क्लैम शेल बकेट इज एन सोफिस्टिकेटेड आर्किटेक्चरल टू पीस बकेट मैकेनिकली हिंज्ड एट द मिडल टू फॉर्म अ क्लॉ लाइक अपलेंडेज विथ एन इंटरनल वॉल्यूम। ये है टेक्निकल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन। एक तरह से बताता हूँ तुम लोगों को, अगर सख्त रोडे हैं या तो फिर बिल्डिंग को तोड़ना है, वहां पर ये काम आती है। ये अपने इंडिया में बहुत रेयरली अवेलेबल होगी, फॉरेन में ये नॉर्मली अवेलेबल होती है, ठीक है ना? हाउ इट इज डिजाइंड? इट इज अटैच्ड बाई अ हैंगर और अ ब्रैकेट एंड यूजेस ग्राउंड एंगेजिंग टूल और इट्स कटिंग एज टू डिगिंग इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। क्लैम शेल बकेट आर कॉमनली यूज इन ड्रेंजिंग, एक्सकेवेटिंग और मटेरियल हैंडलिंग। मतलब तीन चीजों के लिए है, ड्रेंजिंग, एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेटिंग मतलब खुदाई करना या मटेरियल को हैंडल करना, उसके लिए काम आता है। हाउ एवर ईच एप्लीकेशन हैज इट्स यूनिक रिक्वायरमेंट एंड हैज टू बी डिजाइन ऑफ ऑप्टिमली फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। द डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चरर बोथ हाइड्रोलिक एंड मैकेनिकल क्लैम शेल यूज्ड एज एन एक्सकेवेटर और एंड क्रेन्स। व्हाई दिस क्लैम शेल बकेट्स आर डिजाइन, इसके फीचर्स देखना। डिजाइन फॉर ड्यूरेबिलिटी फॉर ऑल मटेरियल लोडिंग नीडेड इन फील्ड ऑफ वर्क टूवर्ड हाई प्रोडक्टिविटी, स्पेशली डिजाइन टूथ पॉइंट आर इक्विप्ड ऑन द कटिंग एज टू प्रोवाइड हायर स्ट्रेंथ एंड लॉन्गर लाइफ। फिर है हाइड्रोलिक रोटेशन एंड नॉक अराउंड मैनुअल रोटेशन इज अवेलेबल। ये सारे इसके लिए फीचर्स हुए। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लैम शेल बकेट। द क्लासिफिकेशन इज डन मेनली ऑन द ऑपरेशनल मेथड एंड पर्पज ऑफ यूजिंग। फर्स्ट है हाइड्रोलिक क्लैम शेल बकेट, सेकेंड है मैकेनिकल या केबल क्लैम शेल बकेट, थर्ड है हाइड्रोलिक क्लैम शेल फॉर टेलीस्कोपिक आर्म। ये तीन टाइप की चीजें होती है इसके अंदर, मतलब तीन टाइप्स के क्लैम शेल होते हैं। हाइड्रोलिक क्लैम शेल, द हाइड्रोलिक क्लैम शेल बकेट इज डिजाइन टू अटैच ऑन टू एन एक्सकेवेटर। द ड्यूअल एंड क्वाड हाइड्रोलिक सिलेंडर माउंटेड ऑन द आउटर रिम ऑफ द बकेट प्रोवाइडेड एक्सीलेंट डिगिंग फोर्स। द इनर साइड ऑफ द बकेट हैज एन स्मूथ सरफेस फॉर इजी लोडिंग ऑफ हाई वेलोसिटी मटेरियल सच एज मड एंड क्ले, वाइल द आउटर लेयर इज री इन्फोर्स्ड विद एडिशनल लेयर ऑफ वियर स्ट्रिप्स। द बाउल रेडियस हैज बीन ऑप्टिमाइज टू मैच विद द लोकस ऑफ द हाइड्रोलिक सिलेंडर रेम टू डिलीवर कंसिडरली फुल लोड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। हाइड्रोलिक डिजाइन आर मेड फॉर अटैचिंग टू एन एक्सकेवेटर, वाइल द मैकेनिकली केबल ऑपरेटर आर डिजाइन टू वर्क विद द ब्रॉड रेंज ऑफ क्रेन्स। द बकेट आर कंसिडर्ड विथ हाई टेंसाइल स्टील, वियर रेजिस्टेंस स्टील विथ कैपेसिटी स्टार्टिंग विथ 1 क्यूबिक मीटर एंड अपवर्ड्स। ये होता है हाइड्रोलिक क्लैम शेल। आया समझ में? हाइड्रोलिक क्लैम शेल दिखता कैसा है, यस और नो?
Yes or no? फिर आगे मूव ऑन करते हैं। मैकेनिकल एंड क्लेबल केबल क्लैंप शेल। द फुली मैकेनिकल क्लैंप शेल इज डिजाइन स्पेशली टू बी यूज्ड ऑन अ क्रेन फॉर अ लार्ज कैपेसिटी ड्रेनिंग ड्रेंजिंग एंड डिगिंग एप्लीकेशंस। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्शन इज ऑपरेटेड बाय केबल। The inner side of the bucket has a smooth surface for easy unloading of high velocity materials such as mud and clay, while the outer layer is reinforced with additional layer of wear strips. The hanger is constructed with high tensile steel. The design concept and criteria of drenching were versus a general purpose loading, unloading mechanical cable clamshell difference generally due to its differences in the natural of application and working conditions. The geometry and weight distribution of a good clamshell design play a significant role in the determining its overall efficiency. ये होता है, देखो ये यहां से मतलब ये वाला मूव होता है, ये देखो केबल से पूरा कंट्रोल हो रहा है क्रैमशेल, मतलब उसको कैसे अपन को चीजें करनी है, ठीक है ना, कैसे अपन को डिग आउट करना है मटेरियल, ये सारा केबल के थ्रू कंट्रोल होता है। ये देखो केबल के थ्रू कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, ये देखो ये देखो ये सारा कुछ केबल के थ्रू कंट्रोल होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं अपन, हाइड्रोलिक क्लैम शेल फॉर टेलीस्कोपिक आर्म। द टेलीस्कोपिक डिपर आर्म आर गेनिंग पॉपुलरिटी वेयर डीप एक्सकेवेटिंग वर्क नीड्स टू बी कैरिड आउट इन टाइटली स्पेस्ड एनवायरमेंट। द सिंगल सेंटर्ड माउंटेड हाइड्रोलिक सिलेंडर रैम क्लैम शेल बकेट इज स्पेशली डिजाइन टू बी यूज ऑन अ टेलीस्कोपिक डिपर आर्म। द यूनिक एंड पावरफुल कस्टमाइज्ड हाइड्रोलिक सिलेंडर रेम डिलीवरी स्मूथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एक्शन विथ ए स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग फोर्स विच इज प्रीरिक्विजिट फॉर एन इफेक्टिव टेलीस्कोपिक क्लैम शेल बकेट्स। ये देखो ये वाला है अपने जो मैंने प्रीवियस पढ़ाया अभी जस्ट। ठीक है फिर ये आगे इंडिया मूव ऑन। इंडिया में नहीं है सर ज्यादा, ये मतलब ऐसे इक्विपमेंट। हाँ इंडिया में नहीं है ये अवेलेबल, ये बाहर ही अवेलेबल होती है। मैंने देख ले इसको, बिल्डिंग के ऊपर वाला पोर्शन को तोड़ने के लिए भी काम ले रहा है, देखा ये देख। सरकार ऐसे वगैरह फालतू खर्च कर रही है, ऐसे इक्विपमेंट लेना हो ताकि फटाफट काम हो, फटाफट देश दुनिया पटरी पर चले, जरूरत है इंडिया को ऐसी चीजों की। देख इंडिया में जरूरत है पर बेरोजगारी बढ़ जाएगी ना भाई, छोड़ेगी नहीं, क्या बात कर रहा है मजदूरों की। इंडिया में पॉपुलेशन 135 करोड़ है, अगर मशीनों पे जिंदगी आ गई तो वर्कर्स का कितना कम हो जाएगा, भूखे मरेंगे ना फिर। इसलिए इंडिया में काफी कुछ चीजें ऐसी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती है इसीलिए, ठीक है ना। जरूरत तो जरूर है कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। देख क्या होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है, तुम तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है कि लोग बाग भूखे तो नहीं मर रहे, बेरोजगारी तो नहीं बढ़ रही, ठीक है। फिर आगे देखा इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। डिगिंग पिट फॉर ग्राउंड कंस्ट्रक्शन वर्क। डिगिंग पिट्स फॉर ग्राउंड कंस्ट्रक्शन वर्क। सेकेंड है आइडियल फॉर डिगिंग एंड लोडिंग मटेरियल इन टाइट एंड लिमिटेड स्पेसेस। मटेरियल हैंडलिंग लोडिंग एंड अनलोडिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट गेन ग्रेन साइंस एक्सेट्रा। हैवी ड्यूटी मैकेनिकल क्लैम शेल इज आइडियल फॉर ड्रेंजिंग एप्लीकेशन बाय क्रेन। ये सारे इसके एप्लीकेशन थे, एक बार एप्लीकेशन वापस पढ़ लो।
मेन ध्यान है, तुम लोग अगर किसी इक्विपमेंट्स के एप्लीकेशन ध्यान रखोगे ना, तो उसके सारी चीजें तुम लोगों को याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ज्यादा अपन डीप जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो किसके लिए काम आता है। वो चीज तुम लोग ध्यान रखोगे ना, तो एप्लीकेशन के थ्रू अपन को सब पता चल जाएगा। 2 मिनट ये पढ़ो, फिर अपन कंटिन्यू। पढ़ लिया? मूव ऑन करते हैं अपन। अब पढ़ते हैं ट्रैक्टर्स। क्रैमशेल खत्म हो गया, ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स अपन के यहाँ पर नॉर्मली देखो क्या बोलते हैं, मटेरियल हैंडलिंग या फिर एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज आता है। पर अब ट्रैक्टर्स के काफी उपयोग मैं तुम लोगों का इधर बताऊंगा। मल्टीपर्पज मशीन यूज मेनली फॉर पुलिंग एंड अदर इक्विपमेंट्स। ट्रैक्टर्स में भी क्लासिफाइड एज क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर। क्रॉलर क्या होता है? तुम लोगों से एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्रॉलर बोलते हैं किसे, ये बता दो मुझे जल्दी से। इतनी बार यूज आया क्रॉलर, 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 क्रॉलर। जल्दी बताओ क्या होता है क्रॉलर, जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट फास्ट। माइक ऑन करके आंसर दे दो जल्दी से। और क्रॉलर होता क्या है, उसके साथ साथ ये भी बताना कि वो यूज सबसे ज्यादा कहाँ आएगा। बताओ भाई क्रॉलर क्या होता है? ये सब सो रहे हो क्या? जल्दी बोलो। यार टैंक क्रॉलर व्हील्स पे ही चलता है, ये तुम लोगों को पता नहीं है ना? इतनी जगह तुम लोगों को मैंने क्रॉलर 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 बताया। एक होता है व्हील टाइप ट्रैक्टर, फिर क्रॉलर टाइप ट्रैक्टर, ये देख लो क्या होता है। दीज आर यूज टू मूव बुलडोजर और स्क्रैपर्स। द क्रॉलर हैव अ चेन बाय विच दीज ट्रैक्टर्स कैन बी वेरी इफेक्टिवली इवन इन द केस ऑफ लूज और मटी सॉइल। का यूज होता है? जब लूज और मटी सॉइल होता है वहां सबसे ज्यादा यूज आता है। द स्पीड ऑफ दिस टाइप डज नॉट एक्सीड 12 किलोमीटर पर आवर नॉर्मली, मतलब 12 किलोमीटर से ज्यादा ये एक्सीड ही नहीं हो पाती, 1 घंटे 12 किलोमीटर ही चलती है। ट्रैक्टर्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। क्या हुआ, पूछो किसी को डाउट है तो। क्या खेती में कह हुआ? रहा था, खेती में होता नहीं तो खेती किसमें? करने के लिए क्लियर नहीं आ रही। खेती। खेती के अलावा भी काफी जगह होता है भाई। अपने यहाँ पर ट्रैक्टर मटेरियल होता है, मटेरियल अनलोड करने के लिए नहीं आता, या कचरा होता है जब ट्रैक्टर में डाल के नहीं बेचते हैं। अरे ऐसे कर रहा हूं मैं, मेन खेती के लिए होता है, ये जरूरी नहीं अपने इंडिया में सबसे ज्यादा ये मेन खेती के लिए होता है। अभी मैं तुझे आगे बताऊंगा, देखना फोटो में, तुम लोगों को खुद सोचोगे कि का ये यूज आता है और किस किस टाइप के ट्रैक्टर्स होते हैं असलियत में। लोडर बैकहो ट्रैक्टर, सेकेंड है कैटरपिलर इक्विपमेंट ट्रैक्टर, फिर है रोड कंस्ट्रक्शन ट्रैक्टर, फिर है बैक पुश ट्रैक्टर, फिर है कैटरपिलर कॉम्पैक्टर ट्रैक्टर, फिर है स्क्रैपर ट्रैक्टर। ये देख लो सारे ट्रैक्टर्स के नाम है। फिर है व्हील टाइप में आता है। इन दिस टाइप द इंजन इज माउंटेड ऑन 4 व्हील्स। द मेन एडवांटेजेस इज हाई स्पीड, समथिंग एक्सीडेड 50 किलोमीटर पर आवर। इट इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस हॉलिंग एंड गुड रोड।
ये देख लो, ये सारे ट्रैक्टर्स के रूप है, सारे के सारे। अब देखो कितनी जगह यूज आ रहा है। ये देखो ये वाला क्या बोलते हैं, मिट्टी क्लियर करने के लिए यूज आ रहा है, ये खेती करने के लिए भी यूज आ रहा है, खुदाई के लिए भी यूज आता है। ये देखो डिगिंग के लिए यूज आ रहा है, और ये कुछ मिट्टी हटाने के लिए काम आ रहा है। ये सारे के सारे ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है मानो। हाँ सर, लेकिन इंडिया में नहीं है। इंडिया में भी है तो सर, यार इतना नहीं है पर है, ठीक है। पर इसका यूज कम है सर। क्या मिट्टी हटाने के लिए, डिगिंग के लिए, अलग अलग मल्टीपर्पज ना है, हर एक का अलग अलग यूज है। इतने सारे मैंने बताया ना, फिर ये वाले इसीलिए तो यूज कर देगी। पीछे देख बता रहा हूँ, ये देखो ये सारे इसके लिए यूज होते हैं, मड्डी सॉइल के लिए। एक मिनट आगे और इसके आ रहे हैं, एप्लीकेशन आएंगे बताता हूँ। ये सारे देख ले, लोडर, बैकहो, ट्रैक्टर, कैटरपिलर इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, ये सारे इसके लिए ही है। अब ये देखो ये रोड बनाने के लिए यूज आ रहा है। अब यार तुम लोग पूछोगे ट्रैक्टर का है ये, तो तो अब इसका मैं बात सुनो, बता रहा हूँ तुम लोगों को ट्रैक्टर का है। नाम क्या है? बताया ना, रोड कंस्ट्रक्शन ट्रैक्टर। ये देख ये है इसका ट्रैक्टर, ये इसके पीछे इसका अटैचमेंट है, देखा। फिनिशर बोलते हैं सर, पेवर फिनिशर। पेवर फिनिशर इसका, ये वाला जो इसका इक्विपमेंट है ना, इसका है भाई। आगे वाले का तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले है ना, ये है पेवर फिनिशर। तो जो बोल रहा है ना, ये इसको बोलता जो इसका अटैचमेंट है, इसको तो अपन क्या बोलेंगे, ट्रैक्टर ही बोलेंगे ना, इसलिए रोड कंस्ट्रक्शन ट्रैक्टर ये वाला है। अभी देखो ये डिगिंग के लिए, मतलब ये अगर मिट्टी कहीं पर ज्यादा है तो लेवलिंग के लिए यूज आता है, कि सरफेस लेवल करने के लिए अपन ऐसे इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। फिर कंपैरिजन बिटवीन क्रॉलर टाइप एंड व्हील टाइप, ये तुम्हारा इसका आखिरी, आज इसका टॉपिक का आखिरी पॉइंट है ये वाला। इसके बाद ट्रैक्टर और अपने पास वो वाला जो पहले पढ़ाया था वो खत्म हो गया, ठीक है ना। टॉपिक ये क्रॉलर टाइप और व्हील टाइप। क्रॉलर की स्पीड स्लो होती है, व्हील की स्पीड ज्यादा होती है। क्रॉलर में मोर कॉम्पैक्टेड, पावरफुल एंड कैन हैंडल हैवी जॉब्स, कैन हैंडल ओनली लाइट जॉब्स। ये कॉस्टली होता है, वो चीपर होता है। मतलब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज हाई, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस। व्हील के अंदर स्टिक कंट्रोल फॉर स्टेयरिंग, व्हील कंट्रोल फॉर नहीं व्हील स्टेयरिंग कंट्रोल, मतलब उसके अंदर स्टिक कंट्रोल होगा, जैसे दो क्या केवल लीवर से कंट्रोल होगा पूरा क्रॉलर वाला, ठीक है ना। इसके अंदर पूरा व्हील से कंट्रोल होगा। मूव ऑन रफ रोड्स ओनली, मूव ऑन रफ एज वेल एज ग्राउंड रोड्स, यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, रिक्वायर्ड स्किल ऑपरेशन मेंटेनिंग एंड रिपेयर्स, लेस स्किल रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ये आज का पूरा टॉपिक खत्म हुआ। अब आज के टॉपिक में जो डाउट है वो मुझसे पूछ सकते। एकदम फिर समझो जिसको हम जाओ, कसो मजाक नहीं करूं भाई। केयर मैडम कैसे समझा, अभिषेक मैडम कैसे समझा कि हम जी कौन पड़ेगी। तो क्रैम सेल ये थ्योरी है, थ्योरी तो इजीली समझ में आती है, उसमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, आरसीसी इन सॉइल, नहीं तो फिर 12 बज जाएगी, क्या मतलब रहेगा। हार्ड है सब्जेक्ट, पहले बता रहा हूँ। आरसीसी अगर समझ में आ गई तो उससे ज्यादा सब्जेक्ट इजी तुम्हारे फिफ्थ सेम में कोई नहीं है। आर्ट्स जो अभिषेक सर पढ़ा था, जो हाँ उसको तुम्हारे नाम होगा, डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर नाम होगा। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, और किसी को डाउट है तो वो रोक के पूछ सकते।